हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे, क्लास नाइन्थ का ये चैप्टर वन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 खत्म कर दिया था। इसमें एक काफी टेक्निकल कंसेप्ट है, आप उसको ध्यान समझना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल दो सवाल हैं, लेकिन दो सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप लोग लाइफ टाइम उसका यूज करोगे और उसका बेनिफिट उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले समझाता हूँ फिर सवाल कराऊंगा। सपोज करो आपको कोई नंबर है 1.4, ठीक है ना, आपको इसे नंबर लाइन पे शो करना है, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? आपको पता है लाइन ऐसे खींचते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करा हमने, ये ओरिजिन हम जीरो मानते हैं, ठीक है ना, तो 1.4 शो करना है, तो ये 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, 1 और 2 के बीच कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच को अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो ये 1.1 हो गया, ये 1.2 हो गया, ये 1.3 हो गया, ये 1.4 हो गया, और ये लास्ट 1.5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1.4 कहीं ये वाला पॉइंट है, ये 1.4 है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको 1.42 दिखाना है, ठीक है ना, तो अब क्या आप तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे कि ये 1.4 है, ये 1.5 है, तो इसके बीच अब जगह कहां है कि हम दिखाएं उसको। तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, अब इसको तोड़ोगे फर्दर ये, ठीक है ना, और इसके लिए एक दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे, आपका ये 1.4 है और ये 1.5 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, क्या होगा, ये होगा 1. हम यहां 1.42 शो कर रहे हैं, ठीक है, 1.41 हो जाएगा, ये 1.42 हो जाएगा, ऐसे ही यहां 1.49 हो जाएगा, और ये लास्ट 1.5 हो जाएगा। तो 1.42 ये वाली लाइन आपको मिली, 1.42, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी डेसिमल तक के नंबर्स होंगे, आप क्या करोगे, फर्स्ट डेसिमल को तो शो करोगे फर्स्ट लाइन में, फिर इसको फर्दर ब्रेक करोगे, फिर अगर तीसरा कोई डेसिमल हो, सपोज करो आपके पास 1.423 है, तो अब क्या करोगे आप, 1.42 आपको ये मिला और 1.43 आपके पास ये है, ठीक है ना, तो अब इसको फर्दर ब्रेक करोगे 10 पार्ट्स में, ऐसे ले आओगे और फिर इसमें 1.423 को शो करोगे। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं, डेसिमल के फर्स्ट तक हम लोग एक लाइन पे शो करेंगे, फिर डेसिमल के सेकंड तक सेकंड लाइन में शो करेंगे, फिर थर्ड तक तीसरी लाइन में शो करेंगे। इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे जितने भी डेसिमल तक का दिया होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो जैसे मैंने समझाया था, आप लोग ध्यान से समझो, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले 3.7 को शो करेंगे, ठीक है ना, 3.7 को शो करें तो क्या क्या कैसे शो करेंगे, जो 3 है वो 1, 2, 3 यहां होता है और ये 4 यहां होता है, तो ये नंबर 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो कहीं ना कहीं इसी के बीच लाई करता होगा, तो ये इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 7 कहीं यहां आएगा, तो 3.7 यहां हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जो अगला इसका डेसिमल का पार्ट है 3.76, वो 3.77 और 3.78 के 3.8 के बीच में होगा, ठीक है ना, तो अब आप इसको फर्दर ब्रेक करोगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो आप 3.7 को यहां ले आओगे, ठीक है ना, और 3.8 को यहां ले आओगे, जैसे मैंने यहां बताया था, और इसके बीच में आप क्या करोगे, ये हो गया 3.71, 3.72, ऐसे ही यहां पे हो जाएगा 3.79, और आपके पास 3.76 है, ये सेकंड डेसिमल तक 3.76 कहीं यहां होगा, 3.76 कहीं यहां होगा, तो 3.76 मिल गया और यहां पे कहीं 3.77 होगा, तो आपका जो ये नंबर है ना 3.765, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है ना, तो आप इसको फर्दर ब्रेक करो 3.76 और ये इसको 3.77, इसको 2 पार्ट्स में, इसको 10 पार्ट्स में फिर डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 3.761, 3.762, ऐसे आप जाओगे तो 3.765 बीच में मिल जाएगा, 3.765 बीच में आपको मिला, और आप ये शो करो कि ये हमारा डिजायर्ड नंबर लाइन पे इसका प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स,
जितना डेसिमल है उतनी लाइन खींचनी पड़ेगी, पहला तो ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि आप यहाँ पे 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में इसको ढूंढोगे 10 पार्ट्स में डिवाइड करके, तो 0.7 आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि 7 जो है 4 के ज्यादा करीब है, 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड हमारा 6 है, तो दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे तो 6 6 कहाँ पे होगा बच्चों, इन दोनों के बीच से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये दोनों का बीच है तो यहाँ पे पड़ेगा। अगला क्या 5 है, तो ये इन दोनों का एक्सट्रीम पॉइंट उठाया, उसको हमने ड्रॉ करा, फिर उसको 10 में डिवाइड करा, तो इसका 0.5 जो है ये यहां मिल गया। तो फाइनली जो है हमारा नंबर जो है ये हमारा पॉइंट होगा जहां पे 3.765 हम शो कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखना, दोबारा से वीडियो 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा मैंने क्या समझाया। इस एग्जाम्पल से भी समझाया, इससे भी समझाया। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 इसका मैं करता हूं, सो दैट के और क्लियर हो। मैं अपना इंटरनेट पे बुक ओपन किया हूं तो आप लोगों को शो नहीं कर सकता। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे है कि 4.26 को विजुअलाइज करना है, क्या अंदर नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल, ठीक है ना, 4 डेसिमल तक इसको शो करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर देखो अगर किसी नंबर के ऊपर ऐसे बार होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि 4.2626, ठीक है, ऐसे रिपीट होगा, लेकिन ये कह रहा है 4 डेसिमल तक हमें दिखाना है, तो हम यहीं तक लेंगे, ठीक है ना। बार का मतलब रिपीटेशन, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है ना, ये रिपीटेटिव है, तो 2626 रिपीट होगा, लेकिन हमें इसको यहां तक लेना है, इसको दिखाना है। देखो स्टूडेंट्स, पहले डेसिमल के लिए क्या करोगे, ये चूंकि 4 से ज्यादा है 5 से कम है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखो, ये 1 2 3 4, ठीक है ना, हमारा नंबर 4 से ज्यादा है और 5 से कम है, तो क्या होगा, 4 और 5 के बीच आप 10 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको 2 लेना है, तो 1 2 ये नंबर हो गया, ये 4.2 हो गया, और 4.3 आपका अगला मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो अगला डेसिमल होगा वो 4.2 और 4.3 के बीच होगा, 4.2 और 4.3, ऐसे 4.3 के बीच होगा, तो आप इसके बीच ड्रॉ करो 10 टाइम्स में इसको डिवाइड करो, तो 4.21 4.22 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4. ये क्या है बच्चों, 4.26 है, तो 6 का ही आपको यहां मिलेगा, 4.26, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके आगे 4.27 का ही होगा, नेक्स्ट जो है 4.27 होगा, तो जो अगला है 4.26 के बाद और ये 2 है, तो मतलब तीसरे जो नंबर लाइन जो हम शो करेंगे ना स्टूडेंट्स, वो 4.26 और 4.27 के बीच हम शो करेंगे, जो कि फिर यहाँ 4.26 और 4.27। अब इसमें हमें 2 ढूंढना है, तो 1 2, तो ये हमें यहां मिल जाएगा 4.262। ऐसे ही नेक्स्ट हम 6 ढूंढेंगे, तो 4.263 यहां पे है, तो इसके बीच हम लोग क्या करेंगे 6 नंबर पे, तो हमारा ये नंबर मिल जाएगा 4.2626, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितने डेसिमल होते हैं उतनी बार हम लाइन ड्रॉ करते हैं, और हर एक नंबर्स के बीच हम क्या करेंगे 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से लेकर 9 तक ही होगा ना बच्चों, तो इसलिए हम हर बार इसको हर डेसिमल को शो करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और उसके बीच को हम ओपन करेंगे, उसको स्प्रेड करेंगे और 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 से लेकर 9 तक, 10 खाने बनेंगे, और जो भी नंबर होगा हम उतने खानों को ले लेंगे, ठीक है ना, दैट विल बी आवर नंबर। तो आई होप कि आप लोग नंबर लाइन पे किसी भी डेसिमल को रिप्रेजेंट करने में एलिजिबल हो, आपको कोई डाउट नहीं है। आपको कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग करना, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट एंड आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू, जय हिंद।